Dear students, I welcome you in the course of leadership, emotional intelligence and decision making. This is module number 186 and the topic under discussion is the empathy triad. As we know, empathy means that you have to put yourself in other's shoe. Yet there are certain concerns which will further elaborate wo Us elaboration, we will be trying to find out the types of empathy and अपने आप को दूसरों के साथ एसोसिएट इन अ पॉजिटिव एंड कंस्ट्रक्टिव वे वो कर सकते हैं देर आर थ्री टाइप्स में वी आर अबाउट फर्स्ट ऑफ ऑल कॉग्नेटिव एम्पेथी देन इमोशनल एम्पेथी एंड देन एम्पेथिक कंसर्न जब हम कॉग्नेटिव एम्पेथी की बात करते हैं तो इट इज फोकसिंग अपॉन द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड अनदर परसन परस्पेक्टिव आप इस काबिल हो जाते हो कि दूसरा शख्स क्या कहना चाह रहा है उसके अल्फ़ाज़ के अंदर छुपे मायने वो क्या हैं आप उसको अंडरस्टैंड करना शुरू कर देते हो आप बेहतर तौर पर डिकोड कर सकते हो उसके एनकोडेड मैसेज को सो दैट वुड मीन कि आप कॉग्निटिवली कनेक्टेड हो विद अदर पर्सन यू आर शोइंग योर एंपैथी इन टर्म्स ऑफ योर बिलीफ सेट जब हम इमोशनल एंपैथी की बात करते हैं दैट मींस द एबिलिटी टू फील व्हाट समवन एल्स इज फीलिंग आप महसूस कर पाते हो कि दूसरे शख्स ने क्या महसूस किया हो सकता है कि वो चीज उसके वर्बल डेमोन्ट्रेशन में ना हो, उसकी वर्बल में ना हो तो आप उसके अलावा इस जब हम एम्पेथिक द एबिलिटी टू सेंस पर्सन नीड्स फ्रॉम यू कि दूसरे शख्स की जरूरत क्या है और वो आपसे क्या चाहता है कि आप किस तरीके से डेमोन्स्ट्रेट करो अपने अमल को अपने अपने रद्द अमल को अपने कंट्रीब्यूशन को टू सपोर्ट द पर्सन अंडर कंसिडरेशन अब इस हवाले से याद रखिएगा कि जब हम कॉग्नेटिव एम्पथी की बात करते हैं द कॉग्नेटिव अनेबल लीडर्स टू एक्सप्लेन देम इन अ मीनिंगफुल वे कि आप बातों का मतलब सही तौर इजहार में लेकर आ सको आप अपने मैसेज को प्रॉपरली एनकोड कर सको एंड द अदर पर्सन आर आल्सो एबल टू डी कोडेट इजीली यू वॉन्ट टू से हाउ यू वॉन्ट टू से एंड सेट इज द मेन परस्पेक्टिव ऑफ अंडरस्टैंडिंग इस तरह जब हम इमोशनल एम्पथी की बात करते हैं इमोशनल एम्पथी इज इंपॉर्टेंट फॉर इफेक्टिव मेनटोरिंग मैनेजिंग क्लाइंट्स एंड रीडिंग ग्रुप डायनेमिक्स और उसमें याद रखिएगा कि यू नीड टू अंडरस्टैंड योर ओन फीलिंग्स टू अंडरस्टैंड द फीलिंग्स ऑफ अदर्स क्योंकि अगर हम अपना अपना analysis, अपना सिंथेसिस नहीं कर सकते हैं तो ऑब्वियसली सूरत में हम कैसे क्लेम करेंगे कि वी नो अदर्स यह भी बात जाननी होगी कि दूसरों की दरअसल जरूरत है क्या और जरूरत के मुताबिक अपने आप को ट्रेन करना डेवलप करना मोल्ड करना चेंज करना वो हमारे लिए बहुत जरूरी है डियर स्टूडेंट्स हमने इमोशनल कॉन्टेक्ट में एम्पेथी ट्राइड में देखा कि हमारा ताल्लुक लोगों के साथ कैसे बेहतर स्टेब्लिश हो सकता है वो क्या चाह रहे हैं क्या महसूस कर रहे हैं क्या कहना चाह रहे हैं ये तमाम चीजें हमें अंडरस्टैंडेबल परस्पेक्टिव में वो समझनी चाहिए अगर हम इस सारी बात को कंक्लूड करें तो हमारा जो एम्पेटिक कंसर्न है विद अदर पीपल That is demonstration of our emotional intelligence, Or emotional intelligence, say, obviously, we fruitful outcomes. We obviously, our objective is that after showing empathy, we get the outcomes which are desired by the situation. Thank you.